हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू वीडियो में। तो अभी ये शाम का समय हो रहा है, सुबह का समय नहीं है। शाम में दोबारा सभी स्नान किए हैं तो अभी सांझ बत्ती देने की मतलब तैयारी करने जा रही हूँ। तो ये सावन खत्म होने के एक दिन पहले का वीडियो है, तो पूरे सावन ही पूजा पाठ करना था और सावन के पहले से ही मेरा वीडियो बनाना थोड़ा सा छूट गया था क्योंकि वीडियो मतलब बहुत सारा रीजन था जिसको मैं बता नहीं सकती आप लोग को, लेकिन पूरे सावन तो पूजा पाठ करना और बच्चों का पढ़ाई में अपने वीडियो को छोड़ दिए थे। तो ये शाम का भी समय हो रहा है, शाम को सांझ बत्ती देकर मैं अभी मंदिर भी जाऊंगी। तो पूरे सावन ही हमारे शिव मंदिर में महादेव का श्रृंगार वगैरह होता है, तो पूरा सावन तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन सावन खत्म होने के तीन चार दिनों से मैं जा रही थी। तो उसी को मैं आपको आज दिखाऊंगी अपने इस वीडियो में कि किस तरह से महादेव का श्रृंगार पूरे सावन ही हुआ था, शिवलिंग का श्रृंगार कैसे हुआ था। तो अभी ये कपड़े थे बच्चों के, तो सुबह मैं तो नहीं धोई थी, सुबह स्नान जल्दी हो गया था तो कपड़े वगैरह रखे हुए थे, फिर स्कूल से आए तो अपना सभी कुछ मैं धो ली। अब कल सुबह मैं धोऊंगी, अच्छा कि शाम को मैं स्नान कर ही रही थी तो अभी ही धो ली। और इस समय क्या है कि स्कूल ड्रेस वगैरह अगर छत पर डाल दिए हैं तो धूप तो रहेगा नहीं, तो इसका जो नील इसमें देते हैं फिर इसमें उड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसी समय छत पर डाल देते हैं, आराम से अपना रात भर में सूख जाएगा, फिर इसको सुबह में लेकर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर रख दी हूँ, अपना सुबह में हल्का धूप भी लग जाएगा और सारा कपड़ा फिर सूख भी जाएगा और बस यहाँ से भी चलते हैं। तो सांझ बत्ती अभी मैं देने के लिए गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था, तो पहले मैं सोची कि कपड़े वगैरह छत पर डाल देती हूँ और रोटी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद लगे हाथ संझा बत्ती देकर और फिर मंदिर में निकल जाऊँगी। तो सावन का महीना चल रहा है, बस तब एक ही दिन बचा है सावन खत्म होने में, और पूरा सावन ही इतना अच्छा लग रहा था, खाना पीना बनाने से लेकर खाने तक पूजा पाठ सभी कुछ, पूरा सावन इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि सावन कुछ दिन और रहता, लेकिन आज एक दिन खत्म रह गया है और खत्म होने वाला है, तो कुछ अजीब ही लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा सावन पूजा पाठ करना बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी तो अभी नहीं बनाई हूँ मैं, और रोटी बना दे रही हूँ, सब्जी भेज दूँगी और सुकृति बना लेगी सब्जी। तो मेरे पास टाइम था अभी, तो मैं सोची कि रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मंदिर जाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वहाँ जो श्रृंगार होता है उसमें रुक जाती हूँ तो थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए सोच रही थी कि रोटी बना कर जाऊँगी और सब्जी भेज दूँगी। और लाडो को बोले हैं उधर कि मोटर चल रहा है तो पीने वाला पानी भर देने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोटी भी बना लिए हैं, पूरा सावन इसी तरह से सादा बिना लहसुन प्याज का खाना बना रहे थे और पूरा सावन ही खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा बिना लहसुन प्याज का खाना बनाओ तो मेरे अनुसार खाना जल्दी भी बनता है और अच्छा भी बनता है, और थोड़ा सा घर भी साफ़ सुथरा, मेरा किचन भी साफ़ सुथरा ऐसा रहता है, ऐसा मुझे लगता है, और पूजा पाठ करने में भी मन लगता है। तो रोटी वगैरह बना लिए थे तो पूरा शाम हो चुका है, तो सोचे कि संझा बत्ती घर में दे लेते हैं, मेरे पूजा पाठ देवी देवता। तो देख सकते हैं ये तो शाम का ही मैं कर रही हूँ, सुबह में तो अच्छे से फूलों से सजा देती हूँ और पूजा पाठ मेरी होती है। तो जो पूरा सावन जो श्रृंगार होता है उसमें तो मैं नहीं शामिल हो पाई थी, लेकिन भगवान मुझे कम से कम आखिरी में 2-3 सावन देखने का और दर्शन करने को ये मुझे सौभाग्य मिला। तो बस अभी सांझ बत्ती घर में देकर और घी दिया बत्ती जो भी शाम को मंदिर में जलाना होता है ले लेती हूँ 1-2 दिए और बस मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। तो अभी मेरी सांझ बत्ती हो गई है और अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ, पहले इसको सब्जी लूंगी और सावन अभी खत्म होने वाला है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि महादेव का थोड़ा श्रृंगार कैसे होता है, हमारे तरफ होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज। ऐसे तो पूरा सावन हुआ था लेकिन मैं नहीं देखी थी, तो इधर गई थी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी बस यहाँ से मंदिर में जाऊंगी। चलो लाडो, मैं लाडो जा रही हूँ, चलो इसमें ले लिए है पूजा का थोड़ा सा दियाबत्ती करने के लिए पूजा का सामान, बस अपना जा रहे हैं। ऐसे तो हर जगह हर मंदिर में सावन में भोले बाबा का श्रृंगार वगैरह होता है, लेकिन बहुत जगह होता है वो जगह नहीं भी होता है। तो मेरे तरफ भी 2-3 मंदिर है लेकिन सब जगह नहीं होता है। तो यहाँ मेरे घर के जो पास वाला मंदिर जहाँ पूजा पाठ करने में जाती हूँ वहाँ होता है। तो बस चलिए यहाँ पर जा रहे हैं आज, तो दिखाते हैं। अभी तो राखी का समय है तो पूरे मार्केट में सिर्फ राखी राखी दिख रहा है, लेकिन पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताई थी कि मेरे घर में राखी का त्यौहार नहीं चलता है, इसके लिए उदासी, सब बच्चे उदास भी रहते हैं, सबको अब मन करता है कि राखी वगैरह चलता है लेकिन मेरे घर में तो नहीं चलता है। तो हम लोग को तो राखी से कोई मतलब भी नहीं है, मैं मतलब आदत ही नहीं है कि अब राखी को देखना भी है। तो यही मैं दिया ले रही थी क्योंकि घर में दिया खत्म हो गया था, तो लगे हाथ सोचे कि ले लेते हैं, एक तो ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। और राखियाँ देख भी सकते हैं कितना सुंदर सुंदर होता है, लेकिन मेरा ध्यान तब राखी की ओर जाता ही नहीं है। तो चलिए खरीदते वगैरह आ गए हैं मंदिर में, और मंदिर में आप लोग देख सकते हैं कि अभी कोई भी नहीं है,
पूरा मंदिर साफ है, सुथरा है। और मतलब कि यहाँ दो तीन लोग हम लोग मिलकर, पहले मैं नहीं आती थी तो जो भी थे तीन चार लोग मिलकर करते थे, कोई मंदिर साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब तक कोई नहीं आया था, जब तक हम लोग यहाँ पर दिया जला लिए थे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जब आ जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता, पूरा सफाई हो जाता है। तो देखिए एक दो लोग आ गए हैं, तो इसी तरह से पहले फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जाता है। तो हम लोग अपना धीरे धीरे सब मिलकर काम कर रहे थे, सारे देवी देवता हैं जो सभी मिलकर कर रहे थे। उसके बाद देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं, तो ये जो भोले बाबा का जो स्नान वगैरह करवा रही हैं, यही पूरे सावन अपना संकल्प वगैरह ली होंगी कि पूरे सावन श्रृंगार करेंगी। तो इन्हीं का श्रृंगार पूरा सावन अलग अलग तरीके से ये करती हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार देखने बनता है, बहुत ही सुंदर करती हैं। तो इसी तरह से सब मिलजुल कर पूरा सावन ही इनका श्रृंगार होता है। कोई बेलपत्र चुन रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, कोई चंदन वगैरह घिस रहे हैं, कोई कुछ तैयारी कर रहा है। तो सारे लोग मिलकर इनका संकल्प को पूरा किए थे। मैं तो दो तीन दिन से ही आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, पता होता तो मैं ज़रूर आती। तो बेलपत्र भी 108 बेलपत्र ये पूरे सावन चढ़ाई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब मिलजुल कर अब पूरे तैयारी में लग गए हैं। तो देख सकते हैं भोले बाबा का स्नान वगैरह हो गया है, कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए हैं, पूरा स्नान वगैरह कर लिए, अब इनका श्रृंगार ये शुरू करेंगी। तो पूरा सावन इसी तरह से ये की थी और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। उधर अपना वो कर रही थी, इधर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर माता रानी का भी सिंदूर वगैरह टीका वगैरह लगा देते हैं। तो ये तो मैं एक दिन पहले का आपको दिखा रही हूँ, ये एक दिन बाद का श्रृंगार भी बहुत ही सुंदर, जब आखिरी श्रृंगार था हुआ था मंदिर में, तो बहुत ही सुंदर था जो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। यहाँ पर पूरे मंदिर को ही सजाया गया था। तो ये मंदिर तो टूट के अभी आधा हो गया है, इसके पहले जब मैं पूजा करती थी तो मैं आपको दिखाई थी, बहुत ही बड़ा अच्छा मंदिर था। तो बनेगा लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। तो मैं आपको साइड में इधर दिखा रही हूँ कि ये जो आखिरी सोमवार था उसमें मंदिर को ही और भोले बाबा को भी कितने अच्छी तरह से सजाया गया था। पूरे मंदिर में रंगोली इसी तरह से फूलों से बनाकर बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, तो इसी तरह से हो रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी तैयारियाँ हो गई हैं, फल वगैरह जिसको जो मन में आता है फल वगैरह लेके आए थे। इनको देख लीजिए, ये आज का इनका श्रृंगार है, इसी तरह से ये श्रृंगार आज का हुआ है। और ये डेली ही करती हैं, अलग अलग तरीके से करती हैं। मैं तो आप हंसी का दिखा रही हूँ आपको, पूरा सावन कोई वीडियो बनाई ही नहीं, वीडियो बनाने वाली ही नहीं थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा था तो मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। तो चलिए सब कुछ होने के बाद भोग प्रसाद सब कुछ हो गया है अभी, और दिए वगैरह भी जल गए हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का आरती हो रहा है, गणेश भगवान की आरती के बाद फिर महादेव का आरती होगा। इसी तरह से ये लोग पूरा सावन करते थे, और करते करते लगभग 10 से 11 बज जाता था इन लोग को, मतलब 11 क्या 11:30 भी बज जाता था। तो मैं भी जब दो तीन दिनों से आ रही हूँ तो कभी 11 बजे घर जा रही थी, कभी 11:30 बजे घर जा रही थी। और जो आखिरी सोमवार था जो उसमें श्रृंगार में आई थी, तो उसमें तो लगता है कि 11:45 ही हो गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोग साथ में रहते थे, तो सभी एक दो गली के आगे अगल बगल गई थे तो साथ में सबका हो जाता था। देख सकते हैं इतने ही लोग थे, मंदिर भी छोटा है तो ज़्यादा लोग तो अंदर आ नहीं सकते हैं। तो बस देख सकते हैं सबका पूजा पाठ हो गया है, प्रसाद वगैरह यहाँ से ले लेते हैं और बस अभी घर को जाते हैं। अभी तो ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, लगभग 11 बजने जा रहे होंगे। मैं आई थी संध्यावती, मतलब 7 बजे मैं यहाँ आ गई थी, और अभी लगता है कि 11 बजने, हाँ 11 बज गया होगा। तो जल्दी जल्दी घर जाते हैं, खाना पीना तो बनाकर आ ही गई थी। और जिस दिन मैं आई थी शुरू दिन, उसी दिन मैं बोल दी थी कि 2-3 दिन अब मैं थोड़ा सा रात में लेट से आऊँगी, मतलब 11:30 मुझे बच जाएगा मंदिर से आने में। ऐसे कोई टेंशन भी नहीं था, घर में आकर अपना खाना पीना खाकर सो भी जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जाएंगे तो पंडित जी अपना गेट वगैरह यहाँ का बंद करेंगे, क्योंकि मंदिर में चूहे वगैरह भी आते हैं, तो अपना दिया वगैरह हटाकर सभी को मतलब गेट को बंद भी कर देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग एक ही दो गली के आगे अगल बगल में रहते हैं, तो सब साथ में चले आते हैं। तो बस घर पर अभी आई हूँ, तो लाडो तो प्यास लगा था, पानी पी रही है, सब्जी वगैरह लेकर वहीं मैं मंदिर में चली गई थी। तो चलिए अभी सबको प्रसाद वगैरह देती हूँ, घर खाना वाना खा कर सो गए हैं, तो उनको भी प्रसाद थोड़ा सा खिला दूँगी सोते सोते ही। देख सकते हैं टाइम, मैं आपको टाइम दिखा रही थी, 11:15 हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रसाद सबको दे देती हूँ, क्योंकि अब
केला वगैरह था तो रख देंगे तो सुबह में फिर ख़राब वगैरह हो जाएगा। तो सुकृति तो जगी हुई है ही, ये सो रहे हैं और मेरा बेटा भी सो रहा है, फिर भी मैं प्रसाद वगैरह सबको दे दी हूँ और यहाँ पर बैठ गए हम लोग खाना पीना खाने के लिए। प्यास इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि मतलब पानी इतना पी लिए थे कि खाना फिर खाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन खाना लाडो को तो भूख लगा हुआ था, प्यास मैं पानी जब पी ली थी तो फिर खाना खाने का मन नहीं हो रहा था इतना भी, मतलब नहीं हो रहा था मन। तो चलिए अभी खाना पीना खाएंगे और सोएंगे और क्या करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।